अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली पालक पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आसान सी रेसिपी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 8 से 10 पालक के बंच ले लिए थे, जिसको मैंने देखिए इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है और इसको अच्छे से धोकर रख लिया है यहाँ पर मैंने एक बर्तन में। तो मैंने गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख लिया है फ्रेंड्स। जब तक पानी गर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे इस तरह पीसेस में। तो देखिए, आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको स्क्वेयर शेप में कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पनीर को अच्छे से इस तरह से कट कर लिया है। तो पनीर को हम साइड में रख लेंगे। तो देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी गरम कर लिया था ना, वो पानी अच्छे से गरम हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ये भाजी को डाल लेंगे। तो देखिए, पानी अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल लेंगे यहाँ पर पालक की भाजी। तो देखिए फ्रेंड्स, भाजी को हमने अच्छे से डाल लेना है। और यहाँ पर क्या करना है, हमने भाजी को डालने के बाद ना सिर्फ 2 मिनट तक ही हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा देर तक पकाएंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमने इसको ग्रीन ही रखना है। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है चम्मच से, अब हम इसको 2 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, भाजी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं। फ्लेम को बंद कर लेंगे हम और इसको गैस से निकाल लेंगे। तो देखिए, गैस से निकालने के बाद एक बॉल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है ये पानी, अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अब भाजी हम क्या करेंगे, निकाल कर ये ठंडे पानी में डाल लेंगे। तो ठंडे पानी में फ्रेंड्स भाजी डालने से क्या होगा, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, अच्छे से ग्रीन ही रहेगा। तो देखिए, ठंडे पानी में डालने के बाद इसको हम फौरन ही क्या करेंगे, निकाल कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से सारी भाजी को बर्तन में निकाल लिया है। बर्तन में निकालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है मैंने, जिसमें ये सारी भाजी को हम डाल लेंगे। डालने के बाद देखिए, यहाँ पर मैंने ले ली है 4 हरी मिर्ची ले ली है साबित, तो ये हरी मिर्च भी इसमें डाल लेंगे। और इसका अच्छा सा एक बारीक सा पेस्ट हमने बनाकर रेडी करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका बारीक सा पेस्ट बना लिया है, तो इसको साइड में रख लेंगे। अब चलिए, अब हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, इसको पकाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है, जिसमें हम डाल लेंगे 4 बड़े चम्मच तेल डाल लेना है हमने इसमें। तो देखिए, तेल डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे 2 तेज़पत्ता ले लिया है मैंने, 2 तेज़पत्ता डाल लेंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें डाल लेंगे हम साबित ज़ीरा। तो देखिए, ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। तो देखिए, ज़ीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 बड़ी प्याज ले ली थी मैंने यहाँ पर, और इसको बारीक सा चॉप कर लिया है मैंने इस तरह से। तो ये प्याज डाल लेंगे हम बारीक चॉप की हुई, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए प्याज, तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देखिए, प्याज यहाँ पर अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल लेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम प्याज के साथ अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसको हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का भी बनता है फ्रेंड्स ये। तो देखिए, अदरक लहसुन का कच्चापन चला गया है, फ्लेम को लो कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटी चम्मच इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच, देखिए मैंने गरम मसाला ले लिया है, तो 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए नमक। अब ये सारे मसालों को हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब हम मसाले इस तरह के डालकर पकाते हैं ना, तो मसाले बहुत ही अच्छे से भूनते हैं और बहुत ही मज़े का हमारा सब्जी बनकर रेडी होती है। तो देखिए, अच्छे से मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए, फ्लेम लो ही है, इस समय इसमें डाल लेंगे यहाँ पर दही ले लिया है मैंने, दही को अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पर 3 बड़े चम्मच इसमें दही डाल लेंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम को लो रख कर ही हमने इसमें मिक्स करना है। जब अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे, तब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे और यहाँ पर दही का कच्चापन जाने तक हमने इसको पका लेना है। तेल अच्छे से साइडों से आ जाना चाहिए, तब तक ही हमने इसको पका लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए हैं, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। यहाँ पर दही बहुत अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं तेल भी आ गया है। जब हम अच्छे से इसको भूनेंगे ना, तभी हमारी ये पालक पनीर बहुत ही मज़े का बनेगा फ्रेंड्स। तो ये अच्छे से भुन जाने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे यहाँ पर जो पालक का पेस्ट हमने बना लिया था ना, वो सारा पेस्ट हमने इसमें डाल लेना है और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मिक्सी जार में मसाला जो बच गया था ना फ्रेंड्स, जो पालक पनीर की हमने पीस ली थी ना, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है और ये थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल लेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, नमक आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, अब हम इसको ढक देंगे।
और तकरीबन मैं इसको पका लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे हम इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल अच्छे से आ गया है, भाजी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने इसको पका लिया था मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन पक गया है ये 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है फ्रेंड्स। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं भाजी बहुत अच्छे से भुन गई है ये। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो पनीर को कट कर लिया था ना, वो पनीर के पीसेस हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारे पनीर के पीसेस को डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे, यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम, ले ली है मैंने तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो यहाँ पर आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही मज़े का हमारा पालक पनीर बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे से फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि क्या है, जो हमने पनीर डाला है ना, उसमें ये सारे मसाले जो है ना अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएंगे और हमारा पालक पनीर बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए लो फ्लेम करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर हमारा पालक पनीर बहुत अच्छे से दम होकर रेडी है, बहुत ही मज़े का बना था फ्रेंड्स ये। तो देखिए फ्लेम को अब बंद कर लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ग्रेवी देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से रखी है यहाँ पर, आपको कितनी ग्रेवी पसंद है अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी इसमें अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए मैंने सिर्फ इसको इतने ही यहाँ पर रख लिया है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर लिया है फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखा आपने कितना झटपट और आसान तरीके से हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये पालक पनीर की रेसिपी बनाना। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको रोटी, पराठा, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। एक बार तो ज़रूर बनाइए इस तरह से और मुझे कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो सिंपल रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है, ऊपर से थोड़ी सी हम फ्रेश क्रीम डाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही मज़े का पालक पनीर बनकर रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसी तरह की कोई आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।